बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मौजूद सामाईन, आज मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रही हूँ उसका अनुमान है खोटे सिक्के। बगदाद में एक नान भाई था, वो बहुत अच्छे नान कुलचे लगाता था और दूर दूर से दुनिया उसके गरम गरम नान खरीदने के लिए आती थी। कुछ लोग बाज़ औक़ात उसे खोटा सिक्का देकर चले जाते, जैसे यहाँ हमारे यहाँ भी होते हैं, और नान भाई खोटा सिक्का लेने के बाद उसे जांचने और परखने के बाद अपने गले पैसों वाली संदूकची में डाल लेता था। कभी वापस नहीं करता था और किसी को आवाज़ देकर नहीं कहता था कि तुमने मुझे खोटा सिक्का दिया है, या बेईमानी का ताना नहीं देता, बल्कि मोहब्बत से वो सिक्का भी रख लेता था। जब इस नान भाई का आखिरी वक्त आया तो इसने पुकार कर अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तेरे बंदों से खोटे सिक्के लेकर उन्हें आला दर्जे के खुशबूदार गरम गरम सेहतमंद नान देता रहा और वो लेकर जाते रहे। आज मैं तेरे पास झूठी और खोटी इबादत लेकर आ रहा हूँ, वो इस तरह से नहीं जैसे तू चाहता है। मेरी तुझसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से मैंने तेरी मखलूक को माफ़ किया, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मेरे पास असल इबादत नहीं है। बुज़ुर्ग बयान करते हैं कि किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो वो ऊंचे मुकाम पर फाइज था और अल्लाह ने उसके साथ वो सलूक किया जिसका वो मुतमन्नी था। मौजूद सामईन, अगर आपको मेरा आज का अनवान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।